हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट सिचुएशन ऑफ दी होटल्स। आज के टाइम में आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे जो होटल्स हैं वो बंद हो गए हैं, काफ़ी सारे बिजनेस जो हैं वो बंद हो गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम हो गई हैं, बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उसके चलते होटल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता हो जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी कोई ऐसा हो जो अभी तक होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हो, किसी भी लेवल पर, जूनियर लेवल पर या फिर सीनियर लेवल पर, कहीं पर भी आप अभी जॉब कर रहे हो और अब कोविड-19 के चलते आप लोगों को भी होटल से निकाल दिया गया हो या फिर ये बोल दिया गया हो कि कोरोना के चलते हम ये सारी चीज़ों में आप लोगों को अभी होटल में नहीं रख सकते हैं, वैकेंसीज़ नहीं हैं, या फिर कुछ दिन के लिए ये बोल दिया गया हो कि कुछ दिन के लिए आप लोग अपने अपने घर पर। चले जाओ, जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तब हम आप लोगों को वापस से इस होटल में बुला लेंगे। तो ऐसे कर करके वहाँ पर जो स्टाफ था, जो फैकल्टी थी, जो सारे वर्कर्स थे होटल्स के, जो लोग थे, जो सारे लोग थे, मतलब उन सारे लोगों को धीरे धीरे करके होटल से हटा दिया गया है, उन सारे लोगों को जॉब से हटा दिया गया है, उन सारे लोगों की जॉब छिन गई है। हो सकता हो, वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप में से भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अभी तक होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हो लेकिन अब वो जॉब से हटा दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, होटल वालों ने सच बोल के हटाया हो। कुछ होटल ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि आप लोग कुछ टाइम के लिए अब होटल में नहीं रहोगे और जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो हम आपको होटल में वापस बुला लेंगे। लेकिन क्या होता है यार, देखो कुछ होटल्स होते हैं जो साफ साफ बोल देते हैं कि होटल इस टाइम पे स्टाफ को रखने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि होटल इस टाइम पे रन नहीं कर पा रहा है, होटल चल नहीं पा रहा है, गेस्ट आ नहीं रहे हैं तो होटल का कोई बिजनेस हो नहीं रहा है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है होटल्स का, तो वो लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वो आप लोगों को सैलरी कहाँ से देगा? जब होटल खुद कोई पैसा नहीं कमा रहा है तो वहाँ वो कहाँ से पैसा देगा? वो लॉस में जा करके तो आपको पैसा देगा नहीं। तो इसके चलते कुछ होटल्स ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई होटल चल नहीं रहा है, इस वजह से हम आप लोगों को नहीं रख पाएंगे। कुछ जो होटल हैं उन्होंने बहुत गलत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा काम किया है, अपने स्टाफ को हटाया और वो भी झूठ बोल के हटाया कि हम आप लोगों को आधी सैलरी देंगे, आप लोग अपने अपने घर पर रहो और ऐसा है वैसा है, ये सब बोल करके हटाया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद, महीने, दो महीने, तीन महीने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कौन हो तुम हम नहीं जानते, हमें हमारा तुम्हारा होटल से कोई वास्ता ही नहीं है, ऐसा काम किया कुछ होटल्स में। तो यार देखो, कई तरह के होटल्स हैं और कई तरह के लोग हैं जो जिन होटल्स ने इस तरह के काम करे, लोगों को परेशान किया है इस टाइम पे, यार देखो जनता माफ़ नहीं करेगी। सीधी सी बात है, होटल इंडस्ट्री वाले कोई भी माफ़ नहीं करेंगे, ना मैं माफ़ करूँगा ना आप माफ़ करोगे। देखो गलत चीज़ है, जो हुआ वो सबके साथ हुआ, हर इंडस्ट्री में हुआ, हर चीज़ में हुआ। यार देखो, होटल इंडस्ट्री में कोई जॉब की गारंटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं, वो रिस्क है तो उसका कोई जो है कोई साथ देने वाला नहीं है। जो भी होटल्स में है लोग, आपको लग रहा है कि जिन्होंने बोला है, जिन होटल्स ने बोला है कि यार हाँ सब कुछ सही होने के बाद हमें वापस बुला लेंगे, तो यार वहाँ पे जो मैनेजर है, जो लोग हैं जो आपको खुद बुलाएंगे, उनकी खुद नौकरी पे बनी हुई है कि आज नहीं तो कल कहीं वो ना हटा दिए जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको कहाँ से बुला लेंगे? आप लोग खुद सोचो यार कि जब जॉब है ही नहीं, जब सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं, तो यार किस तरह से सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। तो इस टाइम पे होटल इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि लोग जो होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे इस टाइम पे वो भूखे रह रहे हैं। लोगों के पास जो जूनियर लेवल पे जॉब कर रहे थे, जिनके पास इतनी बड़ी फैमिली होती है, उसी में जो सैलरी उनकी होती है, उसी सैलरी में उनको फैमिली को भी देखना है, अपना खर्चा भी देखना है और सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। उस सैलरी में जो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होती है कि वो 6-7 महीने 8 महीने अपना वैसे के वैसे ही सब कुछ चला पाए। तो यार देखो, प्रॉब्लम सबके साथ है, सब लोग फेस कर रहे हो। मुझे भी फील होता है यार कि मतलब ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे हम जॉब कर रहे थे अब तक, वहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ये बोले कि हाँ इसमें कोई जॉब की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, देर इज़ नो गारंटी इन होटल इंडस्ट्री दैट कि हमें दोबारा से जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी होटल में जिस होटल ने हमसे प्रॉमिस किया था, वो होटल हमें वापस बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, अभी ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो यार ऐसी जगह पर हम जॉब कर रहे हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है कि यार होटल इंडस्ट्री सही नहीं है, ये है वो है, ऐसे में हमें होटल इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब वो लोग मजबूर हैं जो अपने 5-6 साल 7 साल से जो है होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, अब वो कहीं और पे जाएंगे तो फिर से वो फ्रेशर होंगे, अगर वो इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को छोड़े कहीं और जाएंगे तो एज अ फ्रेशर जॉब करेंगे तो उन्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा। वो यही कोशिश करेंगे कि यार हमें वापस से होटल इंडस्ट्री में ही जॉब
मिल जाए, क्योंकि यार देखो उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें काम करने का तरीका, इतने साल देने के बाद अगर उन्हें अपनी फील्ड चेंज करनी पड़े तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो सबके लिए, उनके लिए भी जो छोड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, 2-3 साल डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, 4 साल अपना उसमें लगा रहे हैं, लाखों रुपए अपनी फीस लगा रहे हैं, उसके बाद वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, 6 महीने उन्होंने ट्रेनिंग करा, ट्रेनिंग में इतना काम करा, उसके बाद वो वहाँ पर जो है ज्वाइन करने का टाइम था। कुछ अभी ऐसे लोग हैं जो होटल मैनेजमेंट कोर्स परसू कर रहे हैं, अभी उनका कोर्स चल रहा है, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यार जॉब है नहीं, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या सारी चीज़ें होंगी, हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत बुरा टाइम आ गया यार इस टाइम पे होटल इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा, हर होटल बंद चल रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, होटल इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं बचा है। अब धीरे धीरे करके ये सही होता है नहीं होता है कुछ भी गारंटी नहीं है, जॉब मिलती है नहीं मिलती है कुछ भी गारंटी नहीं है अभी। उसके बाद जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई है, जो 1 महीना हुआ था, 2 महीना हुआ था, 3 महीना हुआ था, वहीं के वहीं कुछ लोग वहीं पड़े हुए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ लोग किसी तरह अपने अपने घर वापस जा पाए। तो यार हर इंसान जो है इतना पैसा लगाने के बाद सब कुछ लॉस में चला गया, स्टूडेंट भी जो वहाँ का होटल के स्टाफ होते हैं वो भी, हर इंसान इस टाइम पे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो यार देखो मेरे साइड से तुम्हारे लिए एक एडवाइस ये है कि अगर तुम्हें कहीं पे जॉब मिल रही है, किसी कॉल सेंटर में, किसी और जगह पर छोटी मोटी कोई भी जॉब, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी जो है वो नीचे वाली बात नहीं है कि नहीं यार मैं होटल में जॉब करता था अब मैं यहाँ पे जॉब करूँगा तो ये मेरे लिए सही नहीं है, ये वो कुछ भी मत सोचो, सिचुएशन को देखो और जहाँ पर जॉब मिल रही है आप वहाँ पर जॉब कर लो, किसी भी जगह पर, मॉल में या जिस भी जगह पर, छोटे मोटे जगहों पर भी कहीं पर भी जॉब मिल रही है तो आप जॉब पकड़ लो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप जितने टाइम के लिए घर पर हो आप अपना खर्चा निकाल पाओगे, आप कुछ ना कुछ अर्न कर पाओगे, घर वालों प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, आप प्रॉब्लम में नहीं रहोगे, तो कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप लोग होटल में जाते हो तो वहाँ पर अगर वो आप लोग वहाँ पर जाते हो तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि यार इतने टाइम आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, या फिर जो इतने टाइम आप लोग खाली बैठे हुए तो उसमें आपने क्या किया, तो आप बोल सकते हो कि यार मैं फला जगह पर जॉब कर रहा था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे ज़रूरत थी जॉब की, तो मैंने वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह पर यहाँ पर इतने टाइम के लिए जॉब किया। उसके साथ साथ जो आप लोगों का ये 6-7 महीने का गैप हो गया है, 6-7 महीने आप लोग लीव पर रहे हो, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो अपना, आप तो घर से भी कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो और आप एक्सपीरियंस लो हर जगह का जो है, घर पे बैठे बैठे पढ़ो हर चीज़, कोशिश करो कि हर चीज़ जो है तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए, सर्विसिंग वगैरह जो होती है, सर्विस होती है होटल में, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सब के बारे में जानो सीखो, बेवरेजेस के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जान लो। अभी तो आपके पास पूरा टाइम है, आप लोग चाहो तो, बहुत सारे लोगों के मैसेज ये भी आते हैं कि उनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो उन लोग अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश अच्छी करने के साथ साथ इस टाइम पर बहुत अच्छा टाइम है कि उन लोग अपने घर वालों से बात करें, कम्युनिकेशन करें इंग्लिश में, फ्रेंड्स से बात करें, पूरा का पूरा फ्री टाइम है, इसको जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर लो, जितना चाहो उतना जो है वो यूज़ कर लो। इससे क्या होगा कि आप लोग जिस टाइम पे होटल में वापस जाओगे वहाँ पर जब वो आपसे बात करेगा तो आपको जलील करने की पूरी कोशिश करेंगे उन लोग, अरे वापस आ गए तो इंग्लिश में बात करेंगे, मैनेजर तो शो ऑफ की दुकान होती ही है। उसमें क्या होता है यार देखो, जिस टाइम पे वो इंग्लिश में बात कर रहे होते तो आपको हिंदी में बात करना पड़ता था, ऐसा होता था वैसा, अब जब आप जाओगे तो आपका एक अलग इंप्रेशन होगा, आप इंग्लिश में बात करो उनसे जा करके, आप अपने आप को चेंज करके जाओ जिससे उन्हें भी लगे हाँ यार कुछ है बात बंदे में, वो आपको जलील करने के बजाय ये सोचे पड़ जाएंगे यार इसको तो इंग्लिश आती नहीं थी, इसी ये तो फर्राटे में इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यार अपने माइंड में रखो और बेस्ट जो है अपना करो, जो भी जॉब जहाँ पर भी जो कुछ भी मिल रहा है कर लो अभी, उसके बाद ये नहीं कि घर पे बैठे रहो ये मत सोचो जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी ट्राई करते रहो, इंडीड वगैरह जो ऐप्स हैं उन पे अपना रिज्यूमे डाल दो, होटल वगैरह जिसमें भी वैकेंसीज आती है उस पे शो होता है तो उस पर आप लोग दे सकते हो, इंटरव्यूज़ होते हैं सब कुछ जाकर के आप लोग उस पे चेक कर सकते हो, वैकेंसीज जो भी आ रही हैं हर जगह अपना रिज्यूमे दो, अपना इंटरव्यूज़ दो और हो जाएगा कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, वापस से होटल इंडस्ट्री एक बार खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे तो हर जगह पे प्रॉब्लम चली रही है, सिर्फ होटल इंडस्ट्री में नहीं हर जगह पर, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। बस मैं उन सारे होटल्स को जो जिन लोगों ने एम्प्लॉयज़ के साथ अपने इतना बुरा किया कि उन लोगों को बिना बताए हटा दिया, उसके बाद जो है सैलरी दिया 2 महीने नहीं दिया, ख़त्म कर दिया, बातचीत ही ख़त्म कर दी, कोई कांटेक्ट नहीं कुछ नहीं, हम तुम्हें पहचानते नहीं, तुम कौन हम कौन, ऐसा किया उन सबको, यार मैं उन सब के लिए सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स होप
कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और उन लोगों के साथ शेयर करो जो लोग COVID-19 की वजह से होटल इंडस्ट्री से वापस आ गया है, होटल में नहीं जॉब कर पा रहे, उन सारे लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को। अगर आप लोगों को होटल इंडस्ट्री की वीडियोज़ कॉन्टिन्यूसली चाहिए तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ खैर।